पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? राहुल संक्रत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। हिंदी भाषा का विकास के क्रम में सबसे पहले पाली भाषा थी, पाली से प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अभट भाषा, फिर पुरानी हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, जिसे आज हम बोलचाल के रूप में या फिर लेखन कौशल के रूप में प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में की थी। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा था। संगीत के क्षेत्र में आवाज़ ए खुसरवी नामक ग्रंथ अमीर खुसरो ने लिखा है और अमीर खुसरो ने नू सिफेर नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें भारत की बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है, माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, सास न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? कबीर की, नामदेव की, रैदास की और मलुकदास की। तो इसका सही उत्तर है नामदेव। नामदेव की एक रचना है जिसका नाम है अभंग पद और नामदेव भक्ति काल के संत काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामशंकर शुक्ल रसाल का, गणपति चंद्रगुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। साहित्य इतिहास लेखन में इनका योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के में शामिल नहीं है? तो पहला है नाभादास, दूसरा नंददास, तीसरा हरिदास और चौथा ध्रुवदास। तो इसमें से नंददास, हरिदास और ध्रुवदास ये तीनों कृष्ण भक्ति काव्यधारा के हैं लेकिन नाभादास ये शायद राम भक्ति काव्यधारा के हैं। नाभादास ने ही दो रचना की थी, भक्तमाल और अष्टायाम। कृष्ण भक्ति काव्यधारा दरअसल उस काव्यधारा को कहते हैं जिसमें कवियों ने अपनी रचनाएँ कृष्ण भगवान के प्रति अर्पित की थी। वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन करने के लिए चार भागों में बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। और इसी के अंतर्गत भक्तिकाल के को अध्ययन करने के लिए चार भागों में पुनः बांटते हैं। पहले संत काव्यधारा, इसे ही ज्ञानाश्रय काव्यधारा भी कहते हैं, सूफी काव्यधारा, इसे ही प्रेमाश्रय काव्यधारा भी कहते हैं, और तीसरा राम काव्यधारा और फिर कृष्ण काव्यधारा। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवियों के बारे में जान लेते हैं, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, मीराबाई, निम्बकाचार्य। इसके अलावा रस खान, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम दास, ब्रिजवासी दास, स्वामी हरिदास, ध्रुवदास, हित हरिवंश, श्री भट्ट, ये सब भी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं।